सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको इस तरीके एक बैकग्राउंड लेना है जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एंड गाइस, फिर उसके बाद आपको अपना मॉडल लेना है, मॉडल का PNG लेना है। उसको सिंपली ऐसे कर सेट कर लेना ढंग से, जैसे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ये मॉडल PNG लग चुका है, इसको थोड़ा और मैं ढंग से लगा लेता हूँ थोड़ा छोटा करके। एंड गाइस, इसको डन कर लेते हैं और एड फोटो में चलते हैं। और आपको इसमें जितने फोटोज़ दिखेंगे सबका PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले हम ये स्मोक का PNG ले लेते हैं, जिससे यार आपको ज़्यादा मतलब शेडो वेडो बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। शेडो बनानी है वैसे, मतलब इतना भी नहीं, इतना भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें ब्लेंड पर जाकर स्क्रीन कर लेता हूँ। देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, इतना बहुत। एंड इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड एड फोटो में जाते हैं, फिर दोबारा एक बार और फिर से हम PNG लेंगे एक और, जो कि गाइज ये, जिससे कि गाइज हमारे फोटो में अलग ही शाइनिंग आएंगी। गाइज देखना इसके बाद ये, जिसको जैसे ही मैं इस PNG को स्क्रीन करूँगा तो देखना गाइज एकदम अमेजिंग सी लुक आएगी फ़ोटो में। ब्लेंड पे जाके हम इसको स्क्रीन कर लेते हैं। देखिए गाइज कितनी जहर लग रही है ना। इसको हम डन कर लेते हैं सिंपली। एंड एड फोटो में जाकर हमें एक PNG और लेनी है। ये वाली ले लेते हैं, कबूतर की वाली PNG लगा लेते हैं। एंड से ऐड करते हैं। एंड गाइस, इसको ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करना है हमें। नहीं गाइस, पहले इसको ब्लर करेंगे थोड़ा सा, हल्का सा ब्लर करते हैं इसे। चेस्ट में जाके इसको थोड़ा सा, मतलब इसकी एपोसिटी इतनी रखनी है कि गाइस ज़्यादा ब्लर भी नहीं लगना चाहिए। ओके, तो इसे डन कर लेते हैं। गाइस ब्लेंड पे जाके इसको स्क्रीन कर लेते हैं। ये हो गया, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। गाइस सिंपल इसको डन कर लेते हैं। एंड हमारे सारे PNG लग चुके हैं फाइनली, हम जो जो लगाना था सारे रह चुके हैं। और ड्रॉ टूल में जाकर इसको सेव कर लेते हैं सिंपली। एंड उसमें जो कलर क्रिएशन करनी है हमें, चलो पहले शेडो बना लेते हैं, शेडो रह के शेडो बना लेते हैं यार। ये ऐसे जूम करके थोड़ा थोड़ा पेंट करना, हल्का 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 हल्का। इस वाले पैर पे भी थोड़ा सा बना ही लेते हैं यार, नकली नहीं लगनी चाहिए ना फोटो। गाइस जो भी इसमें कलर क्रिएशन करेंगे हम, सब कुछ लाइट रूम के अंदर होगा, तो सिंपली इसे सेव कर लेते हैं और चलो लाइट रूम में चलते हैं। ये सिंपली हम लाइट रूम में आ चुके हैं। एंड गाइस, आपको करना क्या है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको आपने जो फोटो एडिट करी थी उसको पहले हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद फोटो को ओपन करेंगे। एंड गाइस, पहले ये जो आपको साइड में आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी फोटो में जो ब्राइटनेस जो भी है कि एकदम एडजस्ट कर लेंगे अपना। चलो मिक्स पे जाके रेड का